ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत में व्याकरण पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में कक्षा अष्टमी में हम धातु रूप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले धातु के बारे में, तो धातु की परिभाषा, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया उसे कहते हैं जब हम किसी कार्य को करते हैं, यानी उस क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। संस्कृत में लगभग 2000 धातुएँ हैं। कितनी है? 2000। संस्कृत में धातु रूप भी दो पदों में चलते हैं, दो पदों में। नंबर एक है परम स्पेदी धातु और आत्मनपेदी धातु, ये दो धातुएं चलती है। ये अपन के 10वीं कक्षा के बाद की बातें आती है। सबसे पहले अपन धातु में लकार पढ़ेंगे, यानी लकार, सबसे पहले लकार कहते किसे हैं उसके बारे में। संस्कृत में क्रिया के काल को लकार कहते हैं, यानी क्रिया किस रूप में चल रही है, कौन से काल में चल रही है, तो क्रिया के काल को लकार कहते हैं। इसे 10 भागों में बांटा गया है, काल को 10 भागों में बांटा गया है। कक्षा 10 तक सरलता की दृष्टि से इसे 5 रूप निर्धारित हैं, यानी हम इसके 5 रूप ही पढ़ते हैं। 10वीं कक्षा के बाद में हम इसके सारे रूपों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इनके प्रकार, यानी कितने प्रकार के होते हैं, काल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। काल की परिभाषा हो गई, क्रिया के काल को लकार कहते हैं। तो अब लकार कौन कौन से हैं? नंबर एक है लट लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल। नंबर दो लंग लकार यानी भूतकाल। नंबर तीन है लिट लकार यानी भविष्य काल। नंबर चार है लोट लकार आज्ञार्थक काल। और नंबर पाँच है विधिलिंग लकार यानी प्रेरणार्थक, या तो जिसमें हमें प्रेरणा मिलती है या उसका अर्थ निकलता है चाहिए, यानी पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, जो भी है उसके अर्थ में। और आज्ञार्थक काल में हमें आज्ञा मिलती है, यानी हम किसी को आज्ञा देते हैं कि ये कार्य करो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज पट धातु का लट लकार। पट क्रिया है जिसका अर्थ होता है पढ़ना, उसका लट लकार यानी वर्तमान काल पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल में सबसे पहले संस्कृत में तीन तो पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और तीन ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पट धातु के लट लकार का सबसे एक वचन है पठती, पठत, पठंती। मध्यम पुरुष का एक वचन पठसी, पठत, पठत। और उत्तम पुरुष का एक वचन पठामी, द्विवचन पठावा और बहुवचन पठामे। इसी प्रकार इसका दूसरा रूप है लंग लकार। लंग यानी भूतकाल, जो बीत जाता है उसके बारे में। तो इसका एक वचन है प्रथम पुरुष का अपठत। इस लंग लकार की पहचान चिन्ह है कि इसमें आगे ए लगता है, ए से हम पहचान सकते हैं कि ये भूतकाल का वाक्य है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठम, अपठत। और उत्तम पुरुष का है अपठम, अपठाव, अपठामे। ये हो गया अपना भूतकाल, पट धातु का लंग लकार या भूतकाल। इसी तरह से हम इसके द्वारा अन्य धातुएं भी इसी प्रकार से बना सकते हैं, जैसे लिखत है तो अलिखत, गच्छ है तो अगच्छत, वद है तो अवदत। इस प्रकार से इसका भूतकाल बना सकते हैं। नंबर तीन होगा लट लकार यानी भविष्य काल। पट धातु का लट लकार भविष्य काल इस प्रकार से बनेगा प्रथम पुरुष में, इसमें भविष्य में जैसे ये श्यत आता है उसी के हिसाब से इसमें भी यही पहचान चिन्ह है इसकी कि ये श्यति श्यत वाला आता है। तो इसका प्रथम पुरुष का है पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। इसका मध्यम पुरुष होगा पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत। उत्तम पुरुष होगा पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामे। भविष्य यानी जो आगे होने वाला होता है उसके बारे में। तो इसकी अन्य धातुएं लिखिष्यति, वदिष्यति, चलिष्यति। इस प्रकार से हम इसकी अन्य धातु रूप भी बना सकते हैं। नंबर चार है लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल, जिसमें हमें आज्ञा मिलती है। तो पट धातु का लोट लकार बनाने के लिए इसका प्रथम पुरुष का होगा पठतु, पठथाम, पठंतु। मध्यम पुरुष होगा पठ, पठथाम, पठत। और उत्तम पुरुष होगा पठानी, पठावा, पठामे। इसकी अन्य धातुएं होगी जैसे चलतु, चलताम, चलंतु भी बन सकती है, वदतु, वदताम, वदंतु, लिखतु, लिखताम, लिखंतु। इस प्रकार से इसकी दूसरी धातु भी अपन बना सकते हैं। सबसे अंतिम है पांचवा विधिलिंग लकार, इसका अर्थ अपन निकालते हैं चाहिए के अर्थ में या प्रेरणा देते हैं हम जिसे। तो विधिलिंग लकार इसका प्रथम पुरुष बनेगा पठेत, पठेताम, पठेयु।
मध्यम पुरुष होगा पठे पठेतम पठेथ, और उत्तम पुरुष होगा पठेयम पठेव पठेमे। इस प्रकार ये सारे पांच रूप बनते हैं। इन पांचों रूपों को देखकर ही हम संस्कृत में जितने भी धातु हैं उनके पांचों रूप बना सकते हैं। तो आज का गृह कार्य ये हो जाएगा, चल यानी चलना, ये क्रिया है, चल क्रिया है और इसका हिंदी अर्थ होता है चलना। इसी के अनुसार यानी पठ धातु के अनुसार ही चल धातु के भी पांचों रूप बनाने हैं, वर्तमान काल, भूत काल, भविष्यत काल, आज्ञार्थक और विधि लिंग लकार। ये पांचों रूप आपको बनाने हैं।